सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सब कुछ मेरे ख्याल से उसी की वजह से होता है। आप एक कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बाकी मेरी पेरेंट्स की दुआएं हैं। और सर कंसिस्टेंसी का राज ऐसा कोई नहीं है, कोशिश करते हैं बेसिक्स पे रहें और जो आता है उसको मज़ीद बेहतर कर सकें और उसको पक्का कर सकें। आपका प्रोसेस पक्का होना चाहिए। और काफ़ी अरसे से हमारी 2019 के वर्ल्ड कप से क्रिकेट नहीं हो रही थी ODI, तो इस वजह से ज़रा गैप आ गया था तो लग रहा था, लेकिन काफ़ी अरसे बाद दोबारा एकदम मैचेस आए हैं तो सब वेट कर रहे थे, सब मिस भी कर रहे थे ODI क्रिकेट को। तो राज ऐसा कुछ नहीं है, बस कोशिश करता हूँ कि बेसिक्स पे रहूँ और अपनी गेम को दिन ब दिन इम्प्रूव करता रहूँ। हर चीज़ टाइम लेती है और हर चीज़ मेरे ख्याल से फ़ौरन नहीं होती। मैंने याद है मुझे 2019 के वर्ल्ड कप के बाद मेरे से एक सवाल हुआ था कि जी आप अपने स्ट्राइक रेट पे काम करें, तो भी मैंने यही कहा था कि एकदम आप नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, बिल्कुल स्ट्राइक रेट इम्प्रूव होने वाला है, अभी भी है और भी हो सकता है। तो लेकिन हर चीज़ टाइम लेती है, जितने हम मैचेस खेलेंगे कंटिन्यूसली खेलेंगे चांसेस इसी तरह ही मिलेंगे सबको, तो बेसिकली देखेगा आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, हर जगह अच्छे आएंगे। इमाम आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ODI क्रिकेट काफ़ी अरसे से नहीं हो रही थी, और अगर देखा जाए आपका एक ऐसा ODI का एक ऐसा आपकी क्रिकेट है जिसको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, अगर तीनों फॉर्मेट से देखा जाए एज अ बैट्समैन। अब जब आपको पता है कि क्रिकेट लिमिटेड हो रही है, आप अपनी हंगर को किस तरह से बरकरार रखते हैं कि ODI में परफॉर्म करते रहना है? देखें दो बेस्ट चीज़ है वो इसके लिए सर, पाकिस्तान के लिए आप जब भी ग्राउंड में उतरते हैं तो हंगर होती है, चाहे वो मैं टेस्ट मैच के लिए उतरूँ, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो। वनडे ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा खेल चुका हूँ, मेरे ऑलमोस्ट 51 मैचेस हो चुके हैं, तो इस वजह से एक्सपीरियंस और मेच्योरनेस थोड़ी आ गई है, तो इस प्रोसेस का पता चल गया है। जिसी तरह एक मैं एग्जाम्पल दूंगा इसी तरह कि अगर आप जब एक प्लेयर रेगुलरली कोई भी फॉर्मेट खेलता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इम्प्रूवमेंट ना आए, ये होता है कि आपको चांसेस देने पड़ते हैं और उसके बाद उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। कभी कभी हमारे लोग जो हैं बहुत जल्दी 2 से 3 मैचेस के फेलियर के बाद कहते हैं कि जी इसको हटा दो, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में हम कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करना है, इंग्लैंड को फॉलो करना है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को फॉलो करना है तो आप उनका क्राइटेरिया ये वाला भी देखें कि उनका कभी भी ऐसे 2 से 3 मैचेस के बाद प्लेयर पे क्रिटिसाइज नहीं होता और प्लेयर पे जो है इस तरह कभी बाहर नहीं होता। तो जब ये चीज़ आ जाती है, जो कि अब बाबर की कैप्टनसी में आप देख रहे हैं कि रेगुलर लड़के खेल रहे हैं, एक प्रोवाइड दिया जा रहा है एटमोसफेयर कि जिसमें आप एक्सप्रेस करो, तो परफॉर्मेंस सबके सामने है। और लास्ट में आपसे इमाम ये जानना चाहूँगा, मुल्तान में आप आए, यहाँ पे अपने होम टाउन में खेली फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑफ कोर्स जब सीरीज से पहले बात हुई यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एज अ रिव्यू क्या रिव्यू देंगे? मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि आई वॉज़ वेरी इमोशनल और मुझे नहीं लग रहा था टू बी ऑनेस्ट कि इतना डिफरेंट फील होगा, ऑल दो मैं काफ़ी छोटी एज में लाहौर शिफ्ट हो चुका था, लेकिन जब जिस तरह क्राउड ने वेलकम किया मुझे और जिस तरह क्राउड ने सपोर्ट किया, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और स्पेशल फील था। आज मेरी बहन आई हुई थी मैच देखने, मैं काफ़ी ज़रा प्रेशर में था क्योंकि बहन मेरी, मेरे घर में मैचेस मेरे कम देखे जाते हैं, ग्राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं आते। मेरा पहली दफ़ा मैच मेरी बहन देखने आई थी तो मैं बहुत नर्वस था और बहुत प्रेशर में था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आई और उस मैन ऑफ द सीरीज भी अल्लाह ने बना दी और स्कोर भी अच्छा हो गया, तो इस वजह से भी मैं और भी खुश हूँ। तो देखें सबको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का क्राउड का जो है मतलब इस तरह का रिस्पांस होगा, और हम सब जो है बहुत खुश थे कि इतनी गर्मी में, ऐसा नहीं था कि 6 बजे के बाद लोग आ रहे थे, 4:30 बजे ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड पैक है, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे अच्छे साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अब दोबारा भी ये वेन्यू मुझे लग रहा है कि हॉट केक बनता जाएगा।